और अब शुरुआत करेंगे ग्राउंड जीरो से लाइव की, और आज बात करेंगे रीवा की पीड़िता की, जिसके साथ जो किया गया उससे सुनकर आत्मा कांप जाएगी। आरोपियों के प्रति घृणा की ऐसी भावना होगी इसकी कोई हद नहीं। आज ग्राउंड जीरो में पीड़िता का दर्द सुनाएंगे, साथ ही दुर्ग लेकर चलेंगे। दीपावली नजदीक है लेकिन शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर में 60 वार्ड है, स्ट्रीट लाइट खराब है। सोचिए रोशनी का त्योहार अंधेरे में कैसा लगेगा। पहली बार रीवा गैंगरेप पीड़िता का बयान सामने आया। पीड़िता ने दरिंदगी की पूरी कहानी बताई। आज न्यूज 18 उस दर्द को सुनाएगा, उसके बेहिसाब दर्द पर सवाल करेगा और पूछेगा कि आखिर और कब तक कितनी बेटियां पीड़िता ये कहती रहेंगी कि आरोपियों ने उनके सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। घंटों दरिंदगी करते रहे, वे इतने बेशर्म थे कि उन्होंने कहा उनके रोज का काम है। धमकी तो यह भी कि कलेक्टर एसपी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती काटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसमें से। फिर वो बता रहा था, हम मीडिया प्रभारी की लड़का आहन, फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो अभी हम लोगों के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल लता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमारे साथ 5 लोग थे और गलत कितने लोगों ने, 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग, दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमका कहना पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं। और पीड़िता को आपको एक बार फिर सुनना चाहिए ताकि आपके कलेजे पर, दिल पर, दिमाग पर ये छपे कि सवाल पूछा जाना चाहिए। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से लौट रहे थे थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती काटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए, फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उसमें से। फिर वो बता रहा था, हम मीडिया प्रभारी की लड़का आहन, फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो अभी हम लोगों के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल लता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमारे साथ 5 लोग थे और गलत कितने लोगों ने, 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग, दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमका कहना पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। तो माँ नर्मदा, माँ नर्मदा के नाम रेवा से बना रीवा, वो ये सोचे कि उसे किस बात पर ज्यादा शर्म आती है, इस लड़की को सुनकर शर्म आती है या इस बात पर शर्म आती है कि रेप का जो अक्यूज्ड है वो कह रहा है कि तो हमारे रोज का काम है। पूरे स्वर्णिम मध्य प्रदेश को भी ये सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस बात पे ज्यादा शर्मिंदा है। विजय गुप्ता रीवा से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे और उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। विजय, हमने वो सुनाया जो आपने बातचीत की, पीड़िता क्या कुछ कह रही है, लोग अगर आपके साथ हों तो उनका रिएक्शन है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये बीते 31 अक्टूबर को ये वारदात हुई,
गुरु समीप भैरव बाबा मंदिर के पास, तो ये दिल दहला देने वाली बात है और पूरा मध्य प्रदेश रीवा नहीं मध्य प्रदेश शर्मसार है इस घटना से। हमारे साथ इस घटना के लिए कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वकील लोग कई लोग हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये गुड़ समीप जो घटना हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई महिला के साथ गैंगरेप हुआ, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर मैं कहना चाहूँगा ये बड़ी बीभत्स और इससे ज़्यादा खराब अपराध कोई है ही नहीं, गैंगरेप का मामला है और ऐसी जगह पर वो किया गया है और ऐसी परिस्थिति में किया गया है। हस्बैंड वाइफ साथ में जा रहे हैं, एक सुरक्षा कवर है पत्नी के साथ, साथ में उसका हस्बैंड है, उसको बांध करके और इतने निर्मम तरीके से गैंगरेप का ये मामला है, तो इससे ज़्यादा निंदनीय और कोई दूसरा कृत्य हो नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पहला गैंग नहीं है गैंगरेप, ये हिंदुस्तान में होता रहता है, आप सब लोग जानते हैं, और जब ऐसा होता है तो एक बड़ी उत्तेजना समाज के भीतर फैलती है, अब वो तरह तरह की बात करके उसको कंडम करते हैं। हमारा कहना यह है कि दंडों से, ये मेरा सजेशन है कि दंड कितना ही कड़ा आप बना दें, दंड के हमारे एक्सपीरियंस है कि इतने वर्षों से लोग दंडित हो रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि बलात्कार की घटनाएं घटी नहीं और बढ़ती चली गई, तो इसमें कोई सामाजिक सुधार की बड़ी आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियों के बदलने की जरूरत है कि जो परिस्थितियां दिमाग को खराब करती हैं या जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जिसके अंतर्गत एल्यूर हो करके या राक्षस बन करके जानवर बन करके और आदमी लोग इस तरह से रेप करते हैं, इसमें कोई रोक पूरी होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए अपने? अब हम तो यह है कि सामाजिक कल्चरल रिवोल्यूशन, सोशल रिवोल्यूशन, आर्थिक सामाजिक संबंधों का, शिक्षा का, शिक्षा में भी ये तमाम सारी चीज़ें लानी चाहिए बच्चों से लेकर के, कि निहायत गलत गंदी चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको शिक्षाविद जो है अपने तरीके से उसको बनावे। आपकी भी बहन बेटी है, आप कैसे सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, नारी टू नारायणी अगर हम शुरू से लें तो ये कहा गया है कि नारी अपने समस्त रूपों में पूजनी, वंदनी, नमनी, जो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, ऐसा निंदनीय, घोर निंदनीय कृत्य ये, इसने चाहिए कि बलात्कारियों को अविलंब पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे भारतीय न्याय संहिता में जो धारा गैंगरेप का जो 71 क्लास बना है नया, उसके मुताबिक इनको फांसी की सजा कभी अगर दी जाए तो वो कम है। अत्यधिक घोर निंदनीय ये कृत्य है, घोर निंदनीय ये घटना है। हम अपना जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है उसको लेके शीघ्र ही हम संबंधित जनों को ज्ञापन सौंपेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और जब तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग अनवरत प्रयास करते रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद का ये सदैव से संकल्प रहा है, आज भी है, इस पीड़िता के मामले में कि इसके मुकदमे की पैरवी और हर संभव सहायता जो है निःशुल्क में की जाएगी और इसको न्याय दिलाने में हमारा पूरा परिषद संघर्षरत रहेगा, और जब तक दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हर बार ये होता है और कार्रवाई की बात कही जाती है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है और न बड़ा दंड दिया जाता है जिससे लोग अलर्ट नहीं होते, बताइए क्या कहना? देखिए, मध्य प्रदेश तो रेप कैपिटल में इंडिया में नंबर 1 पे है और रीवा में ये दूसरी बड़ी ऐसी घटना है, एक राजनिवास में हुआ था जो सबसे VIP एरिया है। दूसरा, ये वहाँ पूजा होती है जो सुना है, बहुत बड़ा मंदिर है, टूरिस्ट स्पॉट है, पति पत्नी गए,
गैंग रेप के अलावा पति का अपहरण, बांध की उसको 5 या 7 लोगों ने इंटायर। तो ये भी विडंबना है कि जहां लोग पूजा के लिए जाते हैं वहां नराधम अपने पाप के लिए शिकार खोजते हैं। बहुत धन्यवाद विजय, वक्त की कमी है, और आपके अलावा जो लोग जिन्होंने ये बात रखी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बड़ा सवाल, रोशनी का त्यौहार आने वाला है और सिस्टम कह रहा है कि अंधेरे में मना कर दिखाओ। दीपावली कुछ दिनों बाद है, इस दिन घर घर दीपक जलते हैं, लाइट जगमगाती है, और दुर्ग अंधेरे में डूबा रहेगा। 60 वार्ड वाले दुर्ग नगर निगम के अधिकांश वार्डों की जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब पड़ी हुई है, ठीक करने वाला कोई नहीं। शहर की 1800 स्ट्रीट लाइट बंद है, निगम का कहना है फंड नहीं है। अब सवाल ये कि क्या किसी के पास इस बात का जवाब है कि शहर की सड़कों पर रोशनी रहेगी कैसे। साल कांग्रेस सरकार रही है, अभी निगम में भी कांग्रेस के सत्ताधारी लोग हैं। इन लोगों ने दूरगामी परिणाम को दी ध्यान देके बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पूर्व विधायक ने सिर्फ जो माननीय चंद्रिका चंदाकर जी जो ट्यूबलर पोल लिया था उसमें झालर लाइट, चाइनीज लाइट, जो प्रतिबंधित लाइट को उन्होंने लगाने काम किया। अब चूँकि 5 साल इन्होंने कोई लाइट खरीदी नहीं की जिससे शहर हमारा अंधेरा डूबा रहा। दुर्ग शहर में भी भरी दीपावली है, अंधेरा अभी भी कायम है, उसके पहले भी। उसका बड़ा कारण है, हम 5 साल से कांग्रेस की परिषद यहाँ पर जो नगर निगम में है धीरज बाकीवाल जी के नेतृत्व में है, हम लगातार लाइट की मांग कर रहे थे। भाजपा के जितने पार्षद हैं लगातार मांग किए, लेकिन इन लोगों ने कितने पक्षपात किए। ये परिषद अपने कामों में पूर्ण रूपेण फैल रही, उसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं दूंगा। गाड़ियाँ कितनी खरीदी पड़ी हुई है जो आज तक नहीं निकली, खरीदी को कर लो ताकि बाकी हिस्सा हो जाए, बाद में संचालन संधारण जब हम काम करते हैं। नई लाइटें बेतहाशा आई हैं, अभी माननीय विधायक जी ने भी अपनी निधि दी है। केवल लाइट खरीद लेने से कुछ नहीं होगा, अभी मूल शिकायत है वो लाइटें संधारित नहीं हो रही हैं। और हम सभी को अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ हमारा वार्ड सुंदर दिखे, लाइट से जगमगाता दिखे, लेकिन शहर में अभी भी पूरा अंधेरा छाया हुआ है। आप मेरे वार्ड में जहाँ जाएंगे वहाँ 2 लाइटें जहाँ हैं वहाँ निकाल दी गई है, 1 लाइट लगा दी गई है। इसे ही कहा जाता है चराग तले अंधेरा। इस ट्विन सिटी की, दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी की मिसाल दी जाती है, वहीं पर देखिए अंधेरा है। दुर्ग लिए चलेंगे, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के जरिए उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो लगातार पूछे जा रहे हैं। मिथिलेश, इस बात की जानकारी दें कि 1800 लाइट खराब है, 1800 सवाल भी मान लिए जाए तो एक का भी जवाब नहीं मिल रहा है। मिथिलेश ललित, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो 1800 सवाल है उनके भी एक भी जवाब यदि मांगे जाए तो एक के भी जवाब नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रोशनी का त्यौहार दीपावली नज़दीक हो, लोग अपने घरों को रोशन कर रहे हों, ऐसे में यदि शहर अंधेरे में रहेगा तो क्या होगा। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लाइटों की काफ़ी कमी है, किस तरह से बह रहता है, किस तरह से खतरा रहता है। सच दिवाली का जो त्यौहार होता है रोशनी का होता है, और यहाँ पर हमारे यहाँ दुर्ग नगर में स्ट्रीट लाइट जो है बहुत कम जगह जल रहे हैं, कई जगह जल रहे हैं, कई जगह बो चुके हैं। एक गाने का बोल है कि अंधेरे से डर लगता है माँ, अंधेरे से बच्चों को ही डर नहीं लगता, अंधेरे से बड़ों बड़ों को डरता है, अंधेरे से अपराध बढ़ते हैं, अंधेरे से बहुत ऐसी दुर्गति होती है लोगों की, अंधेरे से बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को, इसलिए उजाले का होना ज़्यादा जरूरी है। कितना भय रहता है, और सबसे VVIP जिला भी एक समय कहलाता था, उस VVIP जिले में अंधेरा हो रहा है। देखिए, लाइट अगर चालू रहेगी तो अपराध कम होगा, और अभी दिवाली का त्यौहार है तो ये रोशनी का त्यौहार कहलाता है, और रोशनी के त्यौहार में तो लाइट जलना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ चैन स्नेचिंग का घटना हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, निगम को भी संज्ञान लेकर इसमें लाइट को सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। जी, कितना भय होता है, थोड़ा सा आगे जाइए, कितना भय होता है, और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि अपराध घटित ना हो, घर पूरा शहर रोशन हो? सरकार से सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो अंधेरा से जो चीज़ अपने को बढ़ सकती है, जैसे क्या बोलते हैं अपराधें बढ़ जाती हैं, स्नेचिंग स्क्रैचिंग हो गई, एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं दूर करने के लिए कम से कम लाइट की व्यवस्था बराबर हो, तो कम से कम चीज़ें बराबर दिखें। जानवर क्या बोलते हैं रोड पर बैठे रहते जो दिखाई नहीं देते कई बार गाड़ी चलाते समय, तो उसमें एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा क्या बोलते हैं
सरकार को भी ये देखना चाहिए कि बोलते कि कहाँ पे क्या व्यवस्था अपने को सुचारू करनी है, क्या नहीं करना है। मैडम आप लोग महिला हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, आज की डेट में कितना भय रहता है वहाँ पे जब आप आना जाना करती हो, बाजार आना जाना लोग पे? सर अभी वर्तमान स्थिति तो थोड़ी गंभीर है महिलाओं के लिए खासकर, तो अंधेरा तो और घातक साबित होता है, तो जनरली यहाँ उजाला होना बहुत जरूरी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक अकेले निकलने में दिक्कत होती है महिलाओं को खासतौर पर। जब यहाँ से निकलते हैं सर आधे रास्ते में रोशनी रहती है, आधे रास्ते में अंधेरा रहता है, तो रोशनी तक तो ठीक है पर अंधेरे को हम लोग कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि क्या हो सकता है अंधेरे में, कुछ भी हो सकता है, गड्ढा भी होता है, रास्ता भी खराब, गिरने का खतरा, जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति वो अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं, राज्य शासन का कुछ और रहता है बहाना और यहाँ पे जो शहर में सरकार वो अलग है, लेकिन सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से गंभीर होना चाहिए इस विषय? देखिए इसमें मुख्य चीज ये है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, पहला चीज। नगर प्रशासन जो नगर निगम है वो भी इसलिए भागता रहता है। समान रूप से देखिए मवेशी रहते हैं रोड में पड़े रहते हैं या रोड में खड़े हैं, गाड़ी आ रही है कई बार उनके कारण से भी एक्सीडेंट हो जाता है, जगह जगह गड्ढे हैं। नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है या जो स्थानीय प्रशासन है राज्य सरकार भी है, सड़क बनाना है उनको तो सड़क में भी वर्तमान में बहुत सारे गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, वो अंधेरा होने के कारण से रोशनी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो लोगों को दिखता नहीं एक्सीडेंट। क्या चाहते हैं आप सरकार से, शहर सरकार से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो व्यवस्था सुचारू रूप से और सभी के लिए व्यवस्था हो। जी आप शॉर्ट में बता दें क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हमारे माध्यम से किस तरह की आवाज वहाँ सरकार तक पहुँचना चाहते हैं? पर्याप्त राय कहे कि रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अपराध ना बढ़े और कह कि जो आजकल जो कह लगातार जो इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, मेरा सरकार से अपील है। जी तो देखिए ललित हर कोई ये चाहता है कि जो शहर में जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें रोक लगे, रोशनी का सुंदर हो, रोशन हो, रोशनी का इससे सीधा संबंध है। तो आपने सुना और सिस्टम से भी एक गुजारिश है कि अपने मन में जो अहंकार के पटाखे हैं उन्हें फोड़ दो, अपने अंदर जमीर के, जिम्मेदारी के, जवाबदेही के दीप जलाओ ताकि लोग खुश रह सकें। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े जिन्होंने अपनी बात रखी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही, नमस्कार।